हमने कहा था हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में हम कायम हैं, पहले भी थे। हमारे हनुमानगढ़ी जो है हमारे पुरखों ने नवाब मंसूर अली खान ने ही बनवाई है। जब उनकी कोई मनोकामना पूरी हुई होगी तभी वो उन्हीं ने वहाँ हनुमानगढ़ी का जरूरदार करवाया। गूगल पर डालिए, हनुमानगढ़ी डालिए, विकीपीडिया डालिए, अपना देख लीजिए, नवाब मंसूर अली खान को आप देख लीजिए। उसके बाद में ये जो आलिया बेगम साहब का मंदिर है, हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है अलीगंज में लखनऊ के अंदर, तो वो आलिया बेगम साहब ने बनवाया नवाब सादत अली खां की माता श्री वालदा, ये आपके जो सादत अली खां का मकबरा है उनकी माता श्री थी, तो उनका उन्हीं ने बनाया। आलिया बेगम साहब ने हनुमान जी का मंदिर बनाया। तो हनुमान जी में तो हम लोग का पूर्वज है, हम लोग के आस्था चली आ रही है। जब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई थी तभी तो मंदिर बनवाए, तभी तो मतलब ये सब मतलब वही सिलसिला है। और इसको जो हमने बाकायदा देखा है, हम कायम हैं उस बात के ऊपर और रहेंगे, मतलब पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे कायम, उससे हटेंगे नहीं। कि हनुमान जी जो है बुक्कल नवाब का अपना हमारा मानना है कि इंसान जो है वो नाम से ही जाना जाता है, जिसका अगर नाम अगर न हो, जैसे गया प्रसाद कहते, तो गया प्रसाद जो है समझ जाते हैं लोग हिंदू हैं, और सुल्तान कहेंगे तो वो कहेंगे कि ये मुसलमान है, नाम से ही पहचाना जाता है। इसीलिए नाम जो है वो हनुमान जी से सब मिलते जुलते हैं। फरमान है, जीशान है, फुरखान है, रेहान है, सुलेमान है, तो सब नाम जो है ये मिलते हुए हैं। तो उसमें अगर हमने उनको कह दिया हनुमान जी जो हैं वो हमारे हमारा ये मानना है, हमारे मतलब हमने जो अपने देखा है, जो मिलान किया है जिस तरीके से, उससे हनुमान जी जो हैं वो मुसलमान थे।